स्वच्छ और सुंदर पैर देख के बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। जब हमारे पैर स्वस्थ होते हैं तो हम अपने दोस्तों को अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के तरीके के रूप में दिखते हैं। लेकिन जब हमारे पैर कठोर और गंदे होते हैं तो हम इसे हमेशा मोजे और जूते के साथ कवर करते हैं ताकि लोग हमारी खामियां को न देखें। क्या आपको अपनी एड़ी में दरार के कारण सार्वजनिक रूप से अपने जूते निकालने में शर्म महसूस होती है? जबकि हम अपने चेहरे की देखभाल करने में बहुत समय लगाते हैं लेकिन हमारे पैरों को ज्यादातर नजरअंदाज ही कर देते हैं। यह देखभाल और स्वच्छता की कमी है जिसके कारण आपकी एड़ी में दरार आ जाती है। आज का गुरु आपको अपनी रसोई से सीधे 5 सर्वश्रेष्ठ उपचार लाते हैं जिनकी मदद से आप हमेशा योग्य हील प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। केले का उपयोग करना। केले में विटामिन ए, B6 और सी होता है जो इससे एक नेचुरल स्किन मॉइस्चराइजर बनाता है और इसीलिए यह त्वचा की इलास्टिसिटी को बनाए रखने और इसे हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। सुनिश्चित कर ले कि केला पका हो। कच्चे केले में एसिड होता है जो आपके पैरों की त्वचा के लिए कठोर होता है। तब 2 पके हुए केले को मिक्सी में मैश कर ले। उसके बाद ये पेस्ट को अपने पैरों पर लगाइए और इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए रख दे। अपने पैरों को गर्म पानी से धोए और कम से कम ये 2 सप्ताह तक करें या जब तक आप चाहे तब तक करें, बट बिस्तर से जाने से पहले हर रात इसे दोहराइए। शहद का उपयोग करना। शहद में कई एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यह एक महान मॉइस्चराइजर के रूप में भी काम करता है। यह विशेष रूप से फटी त्वचा को ठीक करने और भिगोने की क्षमता रखता है। यह आपको उसके लिए ही इंस्टेंट परिणाम भी देता है। तो आप 1 बाल्टी गर्म पानी में 1 कप शहद मिलाइए। अपने पैरों को उस बाल्टी में 20 मिनट तक डुबाकर रखें। विशेष रूप से दरार क्षेत्र के आसपास अपने पैरों पर त्वचा को धीरे से रगड़ने के लिए स्पंज का उपयोग करें। सप्ताह में कम से कम 2 बार सोने से पहले इसे हर रात दोहराइए। बेकिंग सोडा का उपयोग करना। बेकिंग सोडा एक एक्सफोलिएंट है। यह सभी मृत कोशिकाओं यानी कि डेड सेल्स को हटाने और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। तो अब गर्म पानी में बेकिंग सोडा के 2 या 3 बड़े चम्मच जोड़े। अपने पैरों को लगभग 20 से 30 मिनट तक डुबोकर रखें। फिर अपने पैरों को एक साफ तौलिए से सुखा लें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से या सप्ताह में 2 बार दोहराइए। एलोवेरा जेल का उपयोग करना। एलोवेरा में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, सी और ई होता है और इसमें आवश्यक एमिनो एसिड भी होता है जो पैरों को नरम बनाने में मदद करता है। एलोवेरा में मौजूद ऑक्सिन्स और गिबरेलिन घाव भरने में मदद करते हैं। तो अब अपने पैरों को गर्म पानी में डुबोए और डेड स्किन को हटाने के लिए प्यूमिस स्टोन का उपयोग करके धीरे से स्क्रब करें। अपने पैरों के लिए एलोवेरा जेल की 1 परत लागू करें। सुबह गुनगुने पानी से धो लें। कम से कम 1 सप्ताह के लिए हर रात इसे दोहराएं और फिर आप परिणाम देखें। लिस्ट्रिन और विनेगर का उपयोग करना। लिस्ट्रिन में थाइमोल और अल्कोहल होता है जो टोनल फंगस से लड़ने में मदद करता है। यह फटे पैरों को ठीक करता है, त्वचा को शांत करता है और तल के मौसा का इलाज करता है। विनेगर में मौजूद हल्के एसिड ड्राई और डेड स्किन को नरम करते हैं जिससे इससे छूटना और भी आसान हो जाता है। तो अब 1 कप लिस्ट्रिन, 1 कप सफ़ेद विनेगर और 2 कप पानी का मिश्रण तैयार करें। अपने पैरों को मिश्रण में 15 मिनट के लिए डुबा कर रखें। अपने पैरों को रगड़ें और डेड स्किन को हटाने के लिए प्यूमिस पत्थर का उपयोग करके उन्हें साफ करें। साफ पानी से कुल्ला और इसे सूखने दें। हर दिन दोहराइए जब तक आपकी एड़ी ठीक ना हो जाए। तो देखा ना दोस्तों कि ये कितने आसान तरीके थे जिससे आप अपने पैरों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई आसान घरेलू नुस्खे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।